गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू ज्ञान धारा पीपल टीचर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट एंड स्टडी अबाउट अगर एक आपके माइंड में ये पॉइंट आता है कि हु इज बैकवर्ड चाइल्ड सो वी कैन लर्न इट फ्रॉम अ डेफिनेशन गिवन बाईन इन्होंने कहा कि बैकवर्ड पीपल इज वन हु कंपेयर्ड विद अदर पीपल ऑफ सेम क्रोनोलॉजिकल एज Shows marked chronological sorry, not chronological, marked educational deficiency. ओके okay, मतलब कि वो बच्चा जो अपने सेम एज ग्रुप के बच्चों से थोड़ा सा बैकवर्डनेस शो करता है और यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि जरूरी नहीं होता है कि एक बैकवर्ड चाइल्ड जो है वो हमेशा डल हो वो कमजोर हो सकता है मतलब पिछड़ सकता है चीजों में बट ये हमेशा जरूरी नहीं होता है कि ही इज ऑलवेज ऑलवेज बैकवर्ड बट डल इसको ऐसे समझिए सपोज एक बच्चा है जो किसी भी कारण से एकेडमिक फील्ड में फेल हो रहा है बट उसका आईक्यू लेवल अच्छा है और वो और चीज़ों में बहुत अच्छा है कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स में वो बेसिकली बैकवर्ड है तो इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है कि आई क्यू लेवल के नीचे का बच्चा ही बैकवर्ड चाइल्ड होता है अभी कभी अच्छे आई क्यू के बच्चे भी पिछड़ जाते हैं अपनी पढ़ाई में बिकॉज ऑफ सर्टे चांसेस इन देयर फैमिली और इन देयर चाइल्ड हुड और इन देयर फिजिकल हेल्थ सो कहने का अर्थ है कि ये बच्चे स्लो लर्नर होते हैं इन्हें डिफिकल्टी होती है एक नॉर्मल पेस को uh, चलने में और इस वजह से ही इज नॉट एबल टू अटेंड वट ही शुड अटेंड एट दैट at particular age in other words uh, the educational attainments it fall below his natural abilities so this is the meaning of backward child there are two main kinds of backwardness one is general one is specific now if the child is showing uh, backwardness or in every subject of the school curriculum. So, this kind of backwardness will be known as general backwardness. While, if the child is showing uh, backwardness or lag behind in two or one specific subject but uh, shows satisfactory performance in other subjects, then that will be called specific backwardness. सो इट इज फॉर जनरल बैकवर्डनेस मतलब हर सब्जेक्ट में वो बच्चा वीक हो और स्पेसिफिक कब होगा वन और टू सब्जेक्ट में तो उसको हम कहेंगे कि स्पेसिफिकली बैकवर्ड है ना कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस बेसिकली टू फिजिकल फैक्ट फिजिकल फैक्टर्स होते हैं

पुअर है है ना या फिर उसको डिफेक्ट्स हैं फिजिकल डिफेक्ट्स हैं स्पीच डिफेक्ट्स हैं या इस तरीके की कोई चीज़ है जिसकी वजह से बच्चा पिछड़ रहा है जिस फिजिकल डिफेक्ट या आप मतलब तो फिजिकल या इसको कह लो कोई बॉडीली डिफेक्ट है उस बच्चे को इस वजह से वो पिछड़ रहा है आ... इस तरह की अगर प्रॉब्लम है या बच्चे को आ, कोई डिजीज है इसकी वजह से वो फिजिक बैकवर्डनेस शो करता है तो इस तरह का जो फैक्टर होता है ये फिजिकल या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की हम यहाँ पे बात करते हैं एक दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चे में बैकवर्डनेस आती है जैसे कि बच्चा बिल्कुल लोअर आई का ही वो बच्चा पैदा हुआ है और ये आप ये कह सकते हो कि जन्म के समय उसे कोई ब्रेन डिफेक्ट uh, उसके अंदर है जैसे मंदबुद्धि बच्चे होते हैं इस वजह से वो आईक्यू मतलब इस तरह की चीजें कर रहा होता है है या वो वो आप कह सकते हो कि वो mentally handicapped है बच्चा तो वो बैकवर्डनेस करता है बट ये हमेशा हर केस में नहीं होता नाउ डायग्नोसिस ऑफ द कॉज ऑफ बैकवर्डनेस कि हम ये कैसे पता करें कि बच्चे का क्या कॉज है किस वजह से बच्चा जो है आ, वो प्रॉब्लमेटिक उसको, उसको मतलब रही है कारण क्या है तो हम ये कैसे पता करेंगे सबसे पहले अटेनमेंट टेस्ट या आप कह सकते हो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट बच्चे का लेकर दूसरा आप उसका आईक्यू टेस्ट ले लीजिए इससे भी आप बच्चे की बैकवर्डनेस को डायग्नोस कर सकते हैं तीसरा ऑब्जर्वेशन मेथड आप अपने क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल करके देखिए कि बच्चे को बच्चा क्या कैसा शो कर रहा है एक फिजिकल या आप कह सकते हो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन लेकर आप पता कर सकते हो कि क्या कॉज है बच्चे के लिए आप केस स्टडी कर सकते हो बच्चे की है ना और आप सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बच्चे का देख सकते हो बैकग्राउंड से आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चे की फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से वो बैकवर्डनेस शो कर रहा है और एक स्कॉलिस्टिक हिस्ट्री जो कि स्टडी में ही आप कह सकते हो कि बच्चे का एक हिस्ट्री स्कॉलिस्टिक हिस्ट्री कि वो थ्रू आउट स्टडी में कैसा रहा पहले से ही इस तरीके से भी आप बच्चे की बैकवर्डनेस का कारण जान सकते हैं देखिए बैकवर्डनेस घर की वजह से भी हो सकती है घर के माहौल की वजह से भी हो सकती है खुद बच्चे के इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स हो सकते हैं मैं आपको एक चीज इसमें लिखना भूल गई इधर अः कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस में एक फैक्टर और होता है जिसमें बच्चे का होम स्कूल ये दो फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं कई बार घर का माहौल अच्छा नहीं होता है इस वजह से भी बैकवर्डनेस होती है और कुछ इनप्रॉपर स्कूल का एटमोसफियर होता है बच्चे बुली करते हैं इस वजह से भी कुछ बच्चे एडजस्ट नहीं हो पाते हैं स्कूल करिकुलम ऐसा नहीं होता है जो बच्चों को बहुत अच्छे से या सभी बच्चों की बात कर सके टीचिंग मेथड्स अच्छे नहीं होते हैं तो ये भी कई कभी बार कई बार कारण होता है बैकवर्डनेस का ओके okay. Uh, तो बा, अपनी बात पे आते हैं कि हम uh, कैसे बच्चे की पहचान करें कि एक बच्चा बैकवर्ड है तो मैंने आपको ये सारे मेथड्स बताएं कि आप इस तरीके से बच्चे को मतलब जज कर सकते हो नाउ व्हाट कैन बी एजुकेशनल गाइडेंस और ट्रीटमेंट ऑफ द बैकवर्डनेस सो बहुत सारी चीजें हैं अगर हमारी क्लास में इस तरह का कोई बच्चा है तो सबसे पहले तो रेगुलर मेडिकल चेकअप बच्चे का टाइम टाइम पे मेडिकल चेकअप सभी बच्चों का होना चाहिए जिससे कि हमें उनकी फिजिकल इनबिलिटी के बारे में पता चले और यहाँ पे स्कूल अथॉरिटीज को भी और गवर्नमेंट को भी ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए अगर कोई बच्चा इस तरह का है दूसरा री एडजस्टमेंट इन होम एंड स्कूल सो so, ऐसा है कि मोस्ट ऑफ़ द बैकवर्ड चाइल्ड ड्यू टू मेनी इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैव टेम्परामेंटल एंड इमोशनल डिफिकल्टीज एंड दे सफर फ्रॉम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चिल्ड्रेन शुड भी हेल्प लाइक उनकी काउंसलिंग कर दीजिए आप या उन्हें एक मतलब घर में ही अच्छा इन्वामेंट दीजिए पेरेंट्स को एजुकेट करिए या पे सोशल एजेंसीज बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं अगर बच्चे में इस तरह का सोशल मेलेडीज हैं सो so, इस तरीके से आप रि एडजस्टमेंट कर सकते हैं बच्चे को स्कूल के लिए इसके अलावा ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स या स्पेशल क्लासेस भी चलाई जा सकते हैं है ना अलग से आप उन्हें पढ़ा सकते हैं सेपरेटली स्पेशल करिकुलम बच्चों के लिए स्पेशल टीचिंग मेथड्स और टीचिंग मेथड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं जिससे कि बच्चे को बेहतर समझ में आए स्पेशल कोचिंग दी जा सकती है और कोर्स में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताई दिया और प्रॉपर प्रोग्रेस रिकॉर्ड रखिए बच्चे का हमेशा कि वो आगे कितना बढ़ा तो एक बच्चे का प्रॉपर प्रोग्रेस रिकॉर्ड भी होना चाहिए बच्चे का कि वो कैसे आगे बढ़ा इसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग सो गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी बच्चे की समय समय पे कराई जानी चाहिए ताकि हम उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में भी पता कर सकें और उसको उस हिसाब से गाइडेंस दे सकें और कंट्रोल करने मतलब एक जो नेगेटिव एन्वायरमेंट्स होते हैं तो कंट्रोलिंग नेगेटिव एन्वायरमेंट अगर बच्चे को कोई चीज परेशान कर रही है तो उसके बारे में बच्चे से बात करके हम उस एनवायरमेंट को बेहतर अच्छा कर सकते हैं जैसे जो सोशल अराउंडिंग होती है या पीयर ग्रुप होता है बच्चों का कई बार वो एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है इन कलरिंग इंटरेस्ट एटीट्यूड एंड विजन ऑफ द लाइफ देअ देर मस्ट बी अ ड्यू केयर शुड बी टेकन टू रिमूव और एटलीस्ट रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी नेगेटिव इन्वायरमेंटल फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ द चाइल्ड कई बार बच्चे मैंने कहा ना बुली होते हैं इसकी वजह से अच्छे बच्चे भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं एंड लास्ट इज साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट है जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना उनकी हेल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिस्ट जो कि एजुकेशनल होते हैं इन इनसे हम एक कह सकते हैं ना गाइड गाइडेंस ले सकते हैं कि हम क्या इन बच्चों के लिए बेहतर कर सकते हैं तो आई होप आपको बैकवर्डनेस और उसके कारण समझ में आ गए होंगे एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन में बेसिकली तीन तरह के बच्चे होते हैं वन 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 इज 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 क्रिएटिव ब्रिलियंट मतलब एक्सेप्शनल एंड बैकवर्ड तो मैंने ये तीनों पॉइंट आपके कवर कर दिए एंड हम नेक्स्टली अपना जो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ाऊंगी वो होगा पर्सनैलिटी सो so, तब तक के लिए आप अपने नोट्स बनाइए एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान धारा Please Like, Share and Subscribe.